आज हम जीना गेट से नाइट सफारी कर रहे हैं। नाइट सफारी का समय शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक है। बुधवार की शाम और छुट्टियों में यहाँ आना अवॉइड करें, क्योंकि इन दिनों में टूरिस्ट और जीपों की संख्या अधिक होती है। अधिक जानकारी के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नाइट सफारी रिजर्व फॉरेस्ट के बफर जोन में होती है। यहाँ आप नॉक्टर्नल जानवरों को देख सकते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं। यहाँ आपको सिविट, खरगोश, सियार, लकड़बग्घा, लोमड़ी, भालू, जंगली बिल्ली, नीलगाय और चीतल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेपर्ड को देखना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे टिकट कटेगी अभी। एक गांव है, ये लास्ट विलेज है, ये आखिरी विलेज है। स्लॉट भी है, थोड़ा आगे करो। गाइड टॉर्च की मदद से जंगली जानवरों को ढूंढते हैं और हमें दिखाते हैं। ये लो बंद करो। हमें बताया गया कि वाटर होल के पास तेंदुआ देखा गया था। अब हम वाटर होल के पास जीप बंद करके इंतजार कर रहे हैं। ये वाटर बॉडी है तो यहाँ पे लेपर्ड था, अब चला गया है, अब सब लोग ढूंढ रहे हैं हम लोग। हम लकी हैं कि हम लेपर्ड को करीब से पानी पीते हुए देख रहे हैं।
मुश्किल है। बैक करो थोड़ी यार। नहीं बैक मत करो, बिल्कुल मत करो यार, तू वहीं लगा रहे तो। देखो एक ही टॉर्च मारो, दो में डिस्टर्ब हो गया। जैसे ही और जीपें आई, आवाज सुन के तेंदुआ झाड़ियों में चला गया। स्लॉट भी है कम दूर से लगा लीजिए। हम फिर हमने लगा तू तो इसे आने ही हो ऊपर आ। किलकिला नदी के पास हमने भालू को देखा। गाइड ने हमें बताया कि इस जगह पर मोगली बाल उत्सव हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जंगल से वापस लौटते हुए रास्ते में हमने खरगोश, उल्लू, नील गाय भी देखे। रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरे पति अपनी गाड़ी से भारत की रिच हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। छोटा बेबी है, बहुत ही छोटा, भाग भी नहीं रहा, डर गया ये।